कि मेहनत करने में दिक्कत ही आती है। शुरू में तो कोई बहुत एंथुसियाज्म या बहुत मोटिवेट कर देता है। चार दिन तक बढ़िया पढ़ाई चलती है, दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कोर्स भी खत्म कर लिया। फिर पांचवें दिन लगता है कि अब बहुत मेहनत हो गई, थोड़ा आराम किया जाए, इतना कुछ तो पढ़ ही लिया है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ सकता है एक इंसान। लेकिन मेहनत वो चीज है जो निरंतरता भी डिमांड करती है। आप सब लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, कि कैसे जो खरगोश था उसने थोड़ी सी मेहनत की और बहुत लग के मेहनत की, लेकिन उसके बाद वो रुक गया। और वहीं पर एक कछुआ जिसने थोड़ी थोड़ी ही मेहनत की, मान लीजिए दिन में 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 8 ही घंटे की, लेकिन लगातार की, साल के 365 दिन की, उसका एग्जाम्पल है आपका कछुआ, कि निरंतरता से किस तरह से उसने उस खरगोश को पिछाड़ दिया जिसको दुनिया ने मान के बैठा था कि रेस तो खरगोश ही जीतेगा। अब निरंतरता आती किस प्रकार है, ये भी मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। एक लाइन थी जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी बहुत पहले ही, कि और जैसा अभी सर ने भी कहा, कि आज की जो तुम्हारी मेहनत है वो तुमको जीवन भर का सुख दे सकती है, और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे आसपास की सारी जनता, जनता से काफी लोग सिर्फ अपनी फैमिली समझेंगे, लेकिन फैमिली के बाहर भी हमारी बहुत बड़ी दुनिया है, उन लोगों को भी सुख प्रदान करने का और उनके कष्टों का निवारण करने का काम कर सकती है आपकी खुद की।